दोस्तों, जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, हम सभी ने देखा होगा कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUC सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण जांच केंद्र के लिए कितनी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। तो ऐसे में PUC सेंटर ओनर्स यानी प्रदूषण जांच केंद्र मालिकों की बढ़िया कमाई हो रही है। उनकी कमाई दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना खुद का PUC सेंटर ओपन कर सकते हैं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं और कमा सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, PUC सेंटर बिजनेस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि इसमें आपको कस्टमर्स के लिए कहीं नहीं जाना। आप एक जगह सेंटर ओपन करके बैठिए, आपके पास कस्टमर खुद आते हैं अपने व्हीकल का PUC सर्टिफिकेट कराने। तो इस बिजनेस में रिस्क तो बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस आप दिल्ली में ओपन करो या किसी और स्टेट में ओपन करो, ये बिजनेस चलना ही है। और नए मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद तो रूल्स और पेनल्टीज इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब तो आप भी समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया स्कोप है इस बिजनेस का। दोस्तों, प्रदूषण जांच केंद्र यानी कि PUC सेंटर को ओपन करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन ओपन कर सकता है PUC सेंटर। दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो वो PUC सेंटर ओपन कर सकता है। कोई भी फर्म ओपन कर सकती है, सोसाइटी ओपन कर सकती है, ट्रस्ट ओपन कर सकती है और कंपनी ओपन कर सकती है। बट दोस्तों, हर स्टेट के अलग अलग नियम हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करते PUC सेंटर ओपन करने के लिए। अगर आपके स्टेट में ऐसा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फॉर्म ओपन कर लीजिए और फॉर्म ओपन करके PUC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एक फॉर्म बनाकर फिर PUC सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कहाँ पर ओपन कर सकते हैं PUC सेंटर। दोस्तों, PUC सेंटर को ऐसा नहीं है कि आप जहाँ आपका मन आए वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। PUC सेंटर को आप कुछ प्रेस्क्राइब जगह पर ही ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नियर एनी पेट्रोल पंप, किसी भी पेट्रोल पंप के पास आप PUC सेंटर ओपन कर सकते हैं। किसी भी मोटर या स्कूटर वर्कशॉप पर आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर आप PUC सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये तो बता दिया कि किस जगह आप ओपन कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कि कौन सी वो अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करेगी आपको, किसके पास आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, PUC सेंटर ओपन करने का लाइसेंस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RTO इशू करता है। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नियर बाय RTO ऑफिस जाकर RTO से मिलना होगा या फिर RTO ऑफिस में जो बाकी के स्टाफ हैं उनसे मिलना होगा और वहीं से आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी बता दिया कि कौन PUC सेंटर ओपन कर सकता है, कहाँ ओपन कर सकता है, कौन लाइसेंस इशू करेगा। आइए अब जानते हैं कि जहाँ आप ओपन करोगे वहाँ उस PUC सेंटर के केबिन का साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों, सेंटर के केबिन का जो मिनिमम साइज़ है वो 2.5 मीटर लंबा होना चाहिए, 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए और जो हाइट है उसकी वो भी मिनिमम 2 मीटर होनी चाहिए। येलो कलर उसके ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर आपको अपना लाइसेंस नंबर, चार्जेस की किस गाड़ी का आप क्या चार्ज है वो विथ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको उसके ऊपर प्रिंट कराना होगा, वो प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। और सबसे खास बात, ये जो केबिन है ये एक्सक्लूसिवली PUC एक्टिविटीज के लिए ही यूज होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि फीस कितनी पे करनी होगी लाइसेंस लेने के लिए। अगर आप लाइसेंस लेकर PUC सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे सरकार को देने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना होगा जिस पर आपको एफिडेविट देना होगा RTO में एप्लीकेशन के टाइम, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी। इसका फॉर्मेट आपको RTO से मिल जाएगा। अगर आपका स्टेट ऐसा जैसे दिल्ली है या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑनलाइन है तो आपको उनकी वेबसाइट से भी फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो दोस्तों, हर स्टेट की फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो एनुअल फीस आपको पे करनी होगी वो लगभग 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच होती है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 5000 रुपये की फीस है, कुछ स्टेट्स में 1000 रुपये है, कुछ में 1500 रुपये है,
तो ये फीस स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच ही होती है। और दोस्तों ये फीस आपको एनुअली पे करनी होती है, आपको हर साल मार्च एंड तक रिन्यूअल कराना होता है अपने पीयूसी सेंटर का, और रिन्यूअल फीस के तौर पर ये फीस आपको पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली स्टेट में पीयूसी सेंटर ओपन करना है तो आप एप्लीकेशन के टाइम 10 रुपीज का स्टाम्प पेपर प्लस 5,000 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी, और हर साल 31 मार्च तक आपको 5,000 रुपये एज अ रिन्यूअल फीस पे करनी होगी एनुअली। तो दोस्तों ये तो बात हुई फीस की, आइए अब जानते हैं कि ऑपरेटर की, जो आपके पीयूसी सेंटर पर ऑपरेटर रहेगा, उसकी भी गवर्नमेंट ने कुछ क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करी हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, और अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप किसी ऐसे बंदे को एज अ ऑपरेटर हायर कर लीजिए जिसके पास वो क्वालिफिकेशंस हों। वो क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक, या फिर ITI डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिक, या फिर ITI डिप्लोमा इन स्कूटर मैकेनिक, या फिर ITI डिप्लोमा इन डीजल मैकेनिक और इट्स इक्विवेलेंट। इनमें से अगर कोई भी ITI का डिप्लोमा है किसी बंदे के पास तो आप उसको एज अ ऑपरेटर हायर कर सकते हैं, और अगर आपके खुद के पास ये डिप्लोमा है तो आप खुद भी एज अ ऑपरेटर वहां पर वर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको पीयूसी सेंटर ओपन करने के लिए। जब आप पीयूसी सेंटर ओपन करने का लाइसेंस लेंगे तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट डिटेल आपको आपके RTO से ही मिलेगी, क्योंकि ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, बट जनरली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो आपकी वर्कशॉप, पेट्रोल पंप या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जहाँ पर आप ओपन करना चाहते हैं उसका मैप देना होगा, 6 फोटोग्राफ्स देने होंगे उस साइट के, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, या फिर अगर ओनरशिप है तो ओनरशिप लेटर हेड, डीलरशिप प्रूफ अगर एप्लीकेंट डीलर है, ओनरशिप प्रूफ, बिल ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर विद वेब कैमरा फुल सेटअप इसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटोकॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ टेक्निकल सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर ओनर, पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ ओनर, लेटर हेड, NOC फ्रॉम लैंड ओनर और 2 ID प्रूफ। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि डाटा रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। दोस्तों जितनी भी गाड़ियां डेली आएंगी उनका डाटा तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब बात आती है कि उस डेटा को आपको कितने टाइम तक रखना है, तो कम से कम 1 साल तक आपको उस डेटा को रिकॉर्ड रखना है। डेली रिकॉर्ड रिपोर्ट आपको रिस्पेक्टिव RTO को सबमिट करनी होती है। रिस्पेक्टिव RTO को 2 रुपये पर होलोग्राम भी सबमिट करना होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि कोई भी PUC सेंटर अपने सेंटर की ब्रांच ओपन नहीं कर सकता और ना ही अपने सेंटर को किसी को रेंट पर दे सकता है। आप किसी थर्ड पार्टी को ये सेंटर ऑपरेट करने के लिए नहीं दे सकते, और केवल उसी जगह आप PUC सेंटर रन करोगे जिस जगह के लिए आपको लाइसेंस मिला है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं PUCC रिसीट एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों हर एक व्हीकल ओनर को पोल्यूशन चेक के बाद आपको एक रिसीट देनी होती है। ये रिसीट पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, एक्सेप्ट सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है वो फिजिकली होंगे। इस रिसीट के साथ साथ आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड फीस ही आपको कलेक्ट करनी है। हर स्टेट में पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग फीस प्रिस्क्राइब होती है। ये फीस जनरली 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में होती है। तो आपके स्टेट में जितनी फीस प्रिस्क्राइब्ड है 2-व्हीलर्स के लिए और जितनी फीस प्रिस्क्राइब्ड है 4-व्हीलर्स के लिए, आपको रिस्पेक्टिव व्हीकल से उतनी ही फीस जो है वो कलेक्ट करनी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे अपने PUC सेंटर के लिए। आपको आपके PUC सेंटर के लिए एक स्मोक एनालाइजर चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, वेब कैमरा चाहिए होगा, इंकजेट प्रिंटर चाहिए होगा एंड कुछ अदर रिलेटेड एक्सेसरीज चाहिए होंगी। तो दोस्तों कौन ओपन कर सकता है ये भी बात हो गई, कैसे ओपन कर सकते हैं ये भी बात हो गई, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ये भी हमने बता दिया। अब बचा प्रॉफिट, आइए अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपकी डेली इनकम कैलकुलेट होती है और आपकी इनकम डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पर। अगर आपका सेंटर स्मॉल सिटी या टाउन में है
और डेली आप 25 से 30 व्हीकल को कैटर करते हो तो आपकी इनकम लगभग 3,000 रुपये पर डे हो सकती है। ये 25 से 30 व्हीकल जो है वो मैं एवरेज बात कर रही हूँ। आज के जैसे आप आजकल नया मोटर व्हीकल एक्ट जब से लागू हुआ है तो आप देख लीजिए किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर के सामने इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी डेली इनकम क्या होगी। बट अगर मिनिमम की भी बात करूँ तो 25-30 व्हीकल को भी अगर आप कैटर करते हैं तो आपकी डेली इनकम 3,000 रुपये होती है। वहीं अगर आप बिग सिटी में हैं या बढ़िया लोकेशन पर आपका पीयूसी सेंटर है तो आप डेली 60 से 80 व्हीकल्स कैटर करते हो और आपकी जो इनकम है वो 8,000 रुपये पर डे तक हो सकती है। अब इसमें जो आपका एक्सपेंस आएगा वो है 2 रुपये हर सर्टिफिकेट के, जो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर का प्रिंटिंग एक्सपेंस और जो आपने ऑपरेटर रखा है उसकी सैलरी का खर्चा, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है। तो इसलिए इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है, तो उसके बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आप अपना खुद का पीयूसी सेंटर ओपन करके कमा सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट और कर सकते हैं बढ़िया कमाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।